शंकर भगवान की जय। मेरी इस खूबसूरत सी जिंदगी का भाई दोस्तों, एक और नया दिन शुरू हो चुका है। अभी सुबह के 9:15 का टाइम हो रहा है और धूप लग चुकी है बड़ी खतरनाक वाली भाई दोस्तों, गर्मी हो रही है खतरनाक। दो दिन पहले भाई दोस्तों बारिश जरूर हुई थी, उसके बाद मौसम थोड़ा सा सही हो गया था कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद भाई दोस्तों मौसम क्लियर हुआ और क्लियर होते ही भाई दोस्तों धूप लग गई बड़ी खतरनाक वाली। और जब बारिश के बाद धूप लगती है ना तो और भी खतरनाक गर्मी होने लगती है। बाकी सुबह हुई नहीं कि भाई दोस्तों हमारे काम काज भी शुरू हो जाते हैं। अभी आए हैं हम लकड़ी के लिए, फिलहाल तो माँ यहाँ पे रास्ते के सामने भाई दोस्तों बांस वगैरह काट रही है, एक आध पुली बांस काट देगी, उसके बाद हम लकड़ी के लिए जाएंगे और लकड़ी का बिड़गा ले जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे सीधा। लकड़ी के बिड़गे तो थोड़ी देर में लग ही जाएंगे, फिलहाल हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चले भाई दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। फिलहाल तो भाई दोस्तों माने यहाँ पे एक पुली बांझ वगैरह काट दी है तो इसको ज्यादा टाइम ले जाएंगे। बाकी दादी भी आ रखी थी तो दादी ने भी यहाँ पे देखो सिकड़े काट दिए गए हैं और सिकड़ों को आप घर लेके जाएगी। पहाड़ों में बूढ़े हुए जवान हो भाई दोस्तों, बड़े ही कर्मठ होते हैं, तो ऐसी हमारी दादी भी है भाई दोस्तों, दिन रात लगी रहती है। बाकी देखो कितना बड़ा सिकड़ा ला रखी है यहाँ से यहाँ तक। दादी नमस्कार, मिलवाल ठीक ठाक हो है? कब तुम नाश्ता करते हो, कब काम धाम करते हो घर का, इतनी जल्दी आ भी गए? क्या करना है काम धाम? पोता पोती गाँव में नहीं है, एक रोटी बनाओ चटनी के साथ खाओ। अच्छा, सब्जी उब्जी कुछ है नहीं? और करो काम अपना। गोर बच्ची? गोर बच्ची है, एक गाई है। फिर ठीक है, पाल पोतन भी तो करना है ना। ना सही बात है। और गुंडे ठीक है? गुंडे ठीक है, गुंडे अच्छा आपने तो बताया था मेरे गुंडे ठीक है, बोले श्वास की कमी है, श्वास की कमी है, की दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो फिर भी काम तुम लगातार ही करते हो क्या? ना ठीक है ठीक है। और सब ठीक ठाक ना? ठीक ठाक। घूमना खन्नी का कखी नहीं है? कखी ना कल जाएंगे, कल जाएंगे कख जा रहे कख है। अच्छा भागवतम, भागवतम ब्याल भी गए, मजा आए, मजा आने आज गाल बहुत बढ़िया। फिर ठीक है, गाड़ी में डाला था, गाड़ी मारा था। हाँ क्या खेर है? जावा दौड़ भाग। ठीक है ठीक है। सिकड़ा ली जुड़ा। हाँ ताजी लगा ला तो क्या चुंडा को दी? हाँ हाँ ना ना कर नहीं लगा ला, नहीं लगा ला था मान, बिल्कुल लगा ला। गांव के लोग अगर भाई दोस्तों काम काज ना करे ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर लगातार काम काज करते रहे ना तो उनकी तबीयत में लगातार सुधार आता जाता है। अभी खेतों में भाई दोस्तों धीरे धीरे करके हरियाली बढ़ने लग गई है। अभी माँ और मैं खेत में आ गए, माँ ने बोला पहले पहले काफल के पेड़ में देख आते हैं काफल हो रहे हैं या नहीं हो रखे हैं। परसों तो माँ ने बोला थोड़ा बहुत खाए थे। माता श्री राम राम, राम राम, क्या हाल चाल है? ठीक है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ओके, ओ देखो ऊपर भी हो गई लाल लाल कपली। हाँ यार दिखाई तो दे रहे हैं, यहाँ देखो भाई दोस्तों इस वाले पेड़ में, यहाँ ये कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा बट हल्के फुल्के लाल लाल हो रहे हैं। पाग रखे हैं जर जरा, और खाद नहीं दिया किसी ने, पता नहीं यार अब जिसकी नजर पड़ी होगी। बंदर घूमी? हाँ आए होंगे। यहाँ देखो भाई दोस्तों काफलों के कलर में ना हल्का फुल्का चेंज होने लगा है, तो काफल देखो हल्के फुल्के लाल होने लगे हैं, कुछ कुछ लाल हो गए हैं और कुछ कुछ हरे हो रखे हैं। बट दोस्तों इनका स्वाद ना अभी काफी खट्टा हो रखा है क्योंकि बारिश कम हो रही है ना, अगर लगातार बीच बीच में बारिश होती रहे ना तो भाई दोस्तों इनके स्वाद में भी चेंजेस आने लगेगा, तब ये धीरे धीरे करके मीठे होने लगेंगे। खट्टे हो रहे हैं ना कुछ ज्यादा ही, अगर इनको खट्टा खाओ ना तो सिलझड़ी हो जाती है दांतों पे भाई, खतरनाक भाई खतरनाक हो रहे हैं। माँ देखो यहाँ पे हरे हरे सारे इकट्ठा करके ले आए, तो ये ठीक ठाक ही हो रहे होंगे ये वाले तो। इस वाले पेड़ पे इस बार थोड़े से कम आ रखे हैं बट इस वाली टहनी पे ना खूब सारे हो रखे हैं भाई, खतरनाक। कालू भी नीचे से उठा के भाई दोस्तों काफल वगैरह खा रहा है, जो नीचे पड़े हुए हैं ना उनको खा रहा है। आजा कालू, आजा आजा, चल मिला चो, आजा 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 यार आजा आजा।
ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना भाई दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम अल्मोड़े। इसकी भी एक खासियत है, मैं आप सभी को बताता हूँ। हमारी भाषा में हम इसको अल्मोड़े ही बोलते हैं। इसकी खासियत भाई दोस्तों ये है कि जहाँ पे मधुमक्खी काट लेती है ना, तो इसको पकड़ के हम वहाँ पे ढंग से घिस देते हैं। और दोस्तों ना, जो मधुमक्खी का जहर होता है ना, थोड़ा उसका असर कम हो जाता है। जो सूजन वगैरह आती है ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाती है। बाकी इसका स्वाद जो होता है, हम इसको खाते भी थे स्कूल टाइम पे, तो इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, जैसे आजकल ये काफल हो रखे हैं। यहाँ अपना ट्रांसफार्म है और ये ट्रांसफार्म से जो लाइन आ रही है ना बिजली की, भाई दोस्तों ये काफी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि ना ये लाइन है ना जो भाई, ये पेड़ों से टच हो रही है, तो काफी दिक्कत हो सकती है कभी भी। बट कई बार ये पेड़ वगैरह काटे गए, पर वो पेड़ फिर से बड़े हो जाते हैं और फिर से काटने पड़ेंगे, नहीं तो कभी भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा गुठला हो रखा है, ये पता नहीं क्या हो रखा है। अरे बिस आ गया है तो। हाँ यार, कांटा वाटा लगा होगा कुछ, पकड़ पे क्या होता कान खोड़ वाले सही है आगे लाल। अच्छा अपना सच तो भाई दोस्तों ऐसे ही आता है यार कंधे में ले जाने का ना। और जो यहाँ की महिलाएं होती हैं वो सभी लोग ना सर में ले जाते हैं। भाई साहब अगर मैं ले जाने लग गया ना सर में, तो मुश्किल ही उठोलता मैं मुंड भी भाई, सदन मुंडी नहीं हो जाली। गोदड़ी तोड़ के भी ले आए हैं भाई दोस्तों वहाँ की आरियो से। तो यहाँ देखो पूरी हार्ड हुई है भाई दोस्तों। अब इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर जो बीज है उनको निकाल दिया जाएगा, तब उनको बो दिया जाएगा। बाकी जो इसके अंदर का वो बच जाता है ना पुराना भाई दोस्तों, वो जूने के काम आता है, बड़े खतरनाक। मौसम में भी अचानक से फेरबदल होना शुरू हो गया है। आसमान से भाई गाजे बाजों की आवाज आने लग गई है, बोले तो आसमान आवाज करने लग गया है। और माँ की तैयारी हो गई है सिमड़ी जाने की। उससे पहले माँ थोड़ा बहुत अपनी कंडाली वगैरह संभाल रही है। एक दो दिन पहले तो माँ साड़ी में गई थी भाई दोस्तों, आज सूट वाला लुक है। तो यहाँ देखो भाई, इधर देखो जरा क्या बात है, गजब का लुक लग रहा है। लुक कैसा लग रहा है भाई दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। ये स्वर्ग तारा जुनली राता को सुना लो, ओए को सुना लो तेरे मेरी बात स्वर्ग तारा। ठीक, अभी 5:30 का टाइम हो गया है और दिन में ना हल्का सा मौसम खराब हुआ था, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। बट उसके बाद ना उनकी भी छुट्टी हो गई और माँ और भाभी तो चली गई थी सीधा कहाँ, भागवत सुनने के लिए। बोले तो माँ के साथ गए थे भाई दोस्तों। आरचू भाई अभी तक वो आया नहीं है, उन्होंने बोला था कि गाड़ी लेके आ जाना बोले। तो यार दो दो आदमी है तो तीन तीन को बिठा के ठीक नहीं लगा मुझे, मैं गया नहीं। पता क्या है कि यार अभी ना ये कच्ची सड़क है, तो पक्की में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, बट कच्ची में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि एक बार मेरे साथ बहुत तगड़ा वाला खतरनाक वाला कांड हो गया था, बट मैं उस टाइम पे भगवान की कृपा से बच गया था। तो उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, वो मैंने किसी को भी नहीं बताया। अरे वाह, गेट के सामने यहाँ पे थुमरू है, यहाँ पे सानू है, यहाँ पे बिंदी है, बिंदी हेलो, और यहाँ पे फुकान सिंह है, फुकान सिंह। क्या हाल सी? ठीक सी हाल है? पक्का पक्का कने घुमना था तुम? प्रधान प्रधान जी तो घुमना जा रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चीजा के शास्त्र प्रणाम प्रणाम ठीक है। सो बस बढ़िया हो, कहीं नो दिया हम हो सब ठीक है। आप सुनो? बढ़िया बढ़िया। क्यों बस भाई दोस्तों, जब लॉकडाउन क्या लगा था ना, उस टाइम पे गाड़ियां इतनी मुश्किल से मिल रही थी। तो चाचरी हैं हमारे बड़ी कंडुली के, तो उनकी जान पहचान है, उन्हीं के दोस्त हैं, तो इन्हीं के साथ हम उस टाइम पे घर आए थे। और तब से अभी तक, मतलब उस टाइम से आज ही मिल रहे हैं, काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। कैसी चल रही है जिंदगी? मौज बाहर। कब जा रहे हो भोले की नगरी में? भोले की नगरी में 24 तारीख को। चलो यार, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जाना था आराम से, ठीक है, मिलते था ठीक था। क्या काम से पड़ता जी? सही काम काम है काम के लिए आना
अच्छा यहाँ के बानो नमस्कार। ये घुमंतु पार्टी कहाँ से आ रही है? खंदौर से। अच्छा खंदौर तक गोरी ठीक से पार्टी कम हो गया क्या बात है? जर जर कर गए अरे यार बोडी दगुड़नी माला तुम निगा चलो कोई बात नहीं हो गया भागवत माला ना ना ठीक हो गया दगुड़ गया ठीक छा। नमस्कार सवेर बैंड हम भड़काया था तुमने थे आनी कौन सा तू मिका घर में तो अपनी लाइन पर डीएस तुम चाय पीवा कर डीएस तक मिल बाल बकन अचानक गाड़ यार कब उड़ाया यार और सब टेटा ठीक है बड़का नहीं करो तो ले जाए था हाँ ये नहीं था हाँ और कब उड़ लिया कोड़दार ये कोड़दार भी की लिया और तो कौन चलने जिंदगी खंदोरम फैन लोग मिलना अच्छा गांव को मैं हाँ तुम तो कांडा का चौक मैं हमारे गांव से सौ सात का टाइम हो गया है भाई दोस्तों और अभी मैं गया था खंदौर साइड तो खंदौर भी अपने गांव में ही आता है वहां अपनी वीडियो देखने वाले बहुत सारे आए थे पूजा वगैरह चल रही है शायद वहां अभी तो दिल्ली से खूब सारे आए थे तो उनसे भी मिलके आ गया हूं फटाफट से उनके साथ वीडियो वगैरह बनाए। तो स्वागत है भाई दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्वर्ग में काफी दिन बाद आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। बाकी माँ भी आ गई है सिमड़ी भागवत कथा सुन के आ गए तुम अरे वाह क्या बात है प्रसाद भी लाए हो बोल शंकर भगवान की जय हो। बाकी भाभी भी लगी हुई है यहाँ पे माँ के लिए चाय तैयार करने पे मिल बाल भाई साहब राम राम खुश है क्या बात चाय तो रहा थी चमकना चाहो कैसी रही भाई आज की कथा बढ़िया मस्त कहाँ कहाँ के आए थे आज मरकांड है मरखोला है सब आए थे मतलब तो कल तो ज्यादा थे आज कम रहे होंगे हैं आज भी सर चौक बुरी नहीं यार मजा आ गया कल राधा रुक्मणी की शादी है जाएंगे तब फिर जाओगे हैं कल तो तू आएगा ही ना मेरे को लेने के लिए अच्छा किले अभी अभी जाओगे कल किले और भी तो पैट रखे हैं गांव के और भी आ रहे हैं सुबह जाना थी ना तो गाड करी गली पर तुम्हें तो देना खड़े बाइक में जाओगे क्या तुम टैक्सी में टैक्सी में सजनी हाल तुम्हारा ना जरा भी ना बहुत मना करने से था बटोल बटा लिख के ले रहा हूँ वो चलो ले आ थोड़ी ब्याज भी बनी आज भी बनी थी खाना अच्छा क्या बात है भाई प्रसाद मिल गया जलेबियाँ